कभी कभार रिश्ते जब ख़त्म होते हैं, एंड होते हैं, तो कभी अच्छे नोट पे होते हैं, कभी बुरे नोट पे। कभी दोस्ती होती है तो कभी एक दूसरे की कभी भी शक्ल ना देखने की इच्छा। अब ऐसा ही कुछ उर्फी के साथ और पारस के साथ भी हुआ, जहाँ पे दोनों का काफ़ी ज़्यादा अगली ब्रेकअप हुआ था और दोनों ही एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब झलक दिखला जा की पार्टी भी थी, उर्फी जावेद भी वहाँ पे पहुँची थी, लेकिन सुनने में यह आया, खबरें ऐसी आ रही थी कि दोनों के बीच काफ़ी बुरी गंदी लड़ाई हुई, जहाँ पे उर्फी कुछ ना कुछ बुरा कहते हुए पारस की नज़र आई, तो पारस भी रिटर्न में वैसा ही कुछ जवाब देते हुए नज़र आए। लेकिन अब उर्फी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कहीं ना कहीं लग रहा है दोनों में अब चीज़ें बेहतर हो रही है। क्या दोस्ती का हाथ इन दोनों ने बढ़ाया है? हो सकता है। चलिए बताते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ जिसे लग सकता है कई लोगों को झटका। अब देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त वेदांगी कर्णिक। दोनों एक दूसरे को ब्रीफ पीरियड के लिए डेट कर रहे थे, लेकिन थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट वेल। दोनों का ब्रेकअप हुआ, काफ़ी अगली ब्रेकअप हुआ। मीडिया में दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में कई सारी चीज़ें बोली, कई सारी चीज़ें कही, लेकिन अब जब झलक दिखला जा शुरू हुआ है, आपको बता दें कि उर्फी ने अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस डाला फॉर पारस, जहाँ पे एक स्टोरी में वो लिखती हुई नज़र आई कि वाओ, सो प्राउड टू सी यू ग्रो। इस तरीके से उर्फी ने अपने सोशल मीडिया पर ये स्टोरी डाली, जिसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने उनके जो कोरियोग्राफर है पारस के, उनके साथ उन्होंने फ़ोटो डालते हुए लिखा है कि लविंग देम इन झलक, इस तरीके से लिखा है कि हार्ट इमोजी भी दिया है, सो प्राउड टू सी यू ग्रोइंग एंड लविंग देम इन झलक। अब इसके ऊपर मीडिया में भी जब पारस से ये सवाल पूछा गया, तब पारस ने भी अपना रिप्लाई दिया और कहा कि आई रिस्पेक्ट हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, हम एक दूसरे के काफ़ी यू नो वी हैव नोन ईच अदर एंड उसके स्ट्रगल्स के बारे में, उसके पास्ट के बारे में सारी चीज़ें मुझे पता है, एंड दैट्स वाई आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। एंड हम दोनों एक दूसरे से फाइट वाइट नहीं करते, वी आर नॉट इन द जोन एट ऑल। जो जैसी चीज़ें मीडिया में दिखाई जा रही वो गलत है। इनफैक्ट हम एक दूसरे की म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को एडमायर करते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों के बीच अब एक दोस्ती का हाथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपका क्या है इस पर कहना? लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई विल सी यू सून।